और अब डीएनए में भगवा आतंकवाद शब्द की खोज करने वाले राजनीतिक खिलाड़ियों का विश्लेषण करने का वक्त है। भगवा आतंकवाद, इस शब्द को इस देश के मीडिया और ज्यादातर लोगों ने सन 2007 और 2008 के बीच सुना था, क्योंकि इस दौरान देश में हुई कुछ आतंकी वारदातों में कथित तौर पर हिंदू संगठनों का नाम आया और भगवा आतंकवाद नाम का एक नया शब्द इजाद कर दिया गया। उस दौरान इस शब्द पर खूब सियासत भी हुई थी, पर आज जी न्यूज आपको दस्तावेजों के आधार पर बताएगा कि भगवा आतंकवाद का सच क्या है। इसे साबित करने के लिए गिरफ्तार किए गए आरोपियों, खासकर लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित का सच क्या है, उन्होंने सही में कोई गुनाह किया या फिर उन्हें किसी खास सोच और साजिश के तहत फंसा दिया गया। इन दस्तावेजों में 2005 से 2007 के बीच हुए आतंकी हमलों के बारे में सीक्रेट जानकारी है। ये ऐसा डीएनए टेस्ट है जिसे देखकर आतंकवाद का धार्मिक बंटवारा करने वाले शर्मिंदा हो जाएंगे। ये सीक्रेट नोट गृह मंत्रालय की अक्टूबर 2007 की एक अहम बैठक से संबंधित है। आप इसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी कह सकते हैं। इसमें समझौता ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को लेकर अहम जानकारी है। वो क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको इन पेपर्स के बारे में थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। जो पेपर्स इस वक्त मेरे हाथ में हैं, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स गृह मंत्रालय की उस बैठक से जुड़े हैं जो जुलाई 2005 से अक्टूबर 2007 तक हुए कुल 12 आतंकी धमाकों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। इसमें मालेगांव ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, हैदराबाद का मक्का मस्जिद ब्लास्ट और अजमेर शरीफ दरगाह में हुआ ब्लास्ट भी शामिल है। ये वो केस हैं जिनके लिए कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के बड़े मंत्रियों और नेताओं ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। अब आपको इस दस्तावेज की दो अहम बातों के बारे में बता देते हैं। पहली अहम बात यह है कि इस सीक्रेट नोट में कहीं भी इन धमाकों के पीछे हिंदू आतंकवाद शब्द का जिक्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिन धमाकों को भगवा आतंकवाद का नाम देकर प्रचारित किया गया उनके लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को जिम्मेदार बताया गया है इन दस्तावेजों में। मैं एक बात को फिर से दोहराना चाहता हूं, इस वक्त मेरे हाथ में गृह मंत्रालय की मीटिंग के जो सीक्रेट नोट्स हैं उनमें कहीं भी भगवा आतंकवाद के नाम पर प्रचारित धमाकों के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि इन धमाकों के लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को जिम्मेदार बताया गया है। आपको याद होगा कि भगवा आतंकवाद के एक बड़े चेहरे के तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को देश के सामने पेश किया गया था। 18 फरवरी 2007 को हुए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में कर्नल पुरोहित का नाम लिया गया था। साथ ही 29 सितंबर 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में भी कर्नल पुरोहित को ही आरोपी बनाया गया। अब ये दस्तावेज बताते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का नाम तो जांच में कहीं था ही नहीं। अब हम आपको इन कागजात की कुछ और अहम बातें बताएंगे। दस्तावेज बताते हैं कि जांच में पता चला कि हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में कई समानताएं थी। आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच में ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे ये संकेत मिलते हैं कि आतंकियों के जिस मॉड्यूल ने मक्का मस्जिद में धमाका किया उसी ने ही समझौता ट्रेन में हुए धमाकों को भी अंजाम दिया होगा। इस सीक्रेट नोट में ये साफ तौर पर लिखा है कि हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हुए धमाके में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए आतंकवादियों का हाथ था। अब एनआईए ने भी ये कह दिया है कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में उनके पास लेफ्टिनेंट पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज तक कर्नल पुरोहित के खिलाफ किसी मामले में चार्जशीट नहीं दाखिल हुई, फिर भी कर्नल पुरोहित 7 साल से जेल में है। इससे तो यही लगता है कि धमाकों को लश्कर और सिमी जैसे आतंकी संगठनों ने अंजाम दिया और कांग्रेस ने अपनी प्रयोगशाला में इसे भगवा आतंकवाद बना दिया और अपनी राजनीतिक इच्छाओं और एजेंडे की पूर्ति की। क्या वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने आतंक का मजहब बदला? यह सवाल इस सीक्रेट नोट से खड़ा हुआ है। इस सीक्रेट नोट से यह संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस ने आतंकवाद को भगवा आतंकवाद में तब्दील कर दिया। जिस सीक्रेट नोट से यह पूरा खुलासा हुआ है वो यूपीए सरकार के गृह मंत्रालय की बैठक का है। बैठक हुई थी अक्टूबर 2007 में। 2007 में गृह मंत्रालय की जिस बैठक में समझौता ब्लास्ट समेत देश की 4 आतंकी घटनाओं के पीछे लश्कर और आईएम जैसे आतंकी संगठनों का हाथ बताया गया, बाद में उन्हीं के पीछे भगवा आतंक का हाथ बताया जाने लगा और बाकायदा
इसका ठप्पा भी लगा दिया गया। अब आपको इस सीक्रेट नोट की बड़ी बातें बताते हैं। पहली बड़ी बात ये कि चारों धमाकों को लेकर कहीं भी हिंदू आतंकवाद का जिक्र नहीं है। दूसरी बड़ी बात, बैठक में धमाकों को लेकर पाकिस्तान स्थित और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को जिम्मेदार बताया गया है। और तीसरी बड़ी बात, इस नोट में बताया गया है कि हैदराबाद के मक्का मस्जिद ब्लास्ट और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में कई समानताएं हैं। मसलन, दोनों ब्लास्ट में 6 वोल्ट की बैटरी और कास्ट आयरन की पाइप्स का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो बयान देते थे कि भगवा आतंकवाद और आरएसएस को टारगेट करते हुए एक बड़ी समुदाय हिंदुओं का छवि को खराब करने के लिए, जो एक संयोगी तरीके से कांग्रेसियों ने जिस तरीके से बात को सामने में रखते थे, वो गृह मंत्रालय में आज हम देख रहे हैं कि उसी तरीके से उन्होंने जो तंत्र है, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से, उसको भी उन्होंने दुरुपयोग किया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उसने कभी भी आतंक को कोई रंग दिया ही नहीं। हमने आतंकवाद को रंग भेद की दृष्टि से नहीं देखा है। जहां पर कोई आतंकवादी घटना हुई, इसको एक किनारे रखते हुए कि किसने की किसने नहीं की, उसकी तहकीकात की गई, सही तरीके से तहकीकात की गई, जो आरोपी थे उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए। हालांकि बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। अमेरिका ने अपना और हिंदुस्तान से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने समझौता एक्सप्रेस को एलईटी के कारण कहा, तो उसके बाद ये सारा एनआईए बना और एटीएस का जो रिपोर्ट है उसको सुपरसीड किया, जो गैरकानूनी थी। एक हिंदू टेरर का बनाने की कोशिश की और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा का हथियार उन्होंने या शस्त्र उन्होंने उनको दान दिया। देश के अंदर एक ऐसा दौर चला यूपीए सरकार के वक्त सोनिया जी के निर्देश पर कि एक हिंदू आतंकवाद, जो पहली बार दुनिया ने शब्द सुना, कैसे भी उसको प्रचारित किया जाए, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए षड्यंत्र रचे गए। इससे पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के प्रमुख शरद कुमार के एक सनसनीखेज बयान ने भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। शरद कुमार ने कहा है कि 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत के नजदीक समझौता एक्सप्रेस में हुए ब्लास्ट केस में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, ना ही पुरोहित को कभी आरोपी बनाया गया था, बावजूद इसके उनका नाम जानबूझकर घसीटा गया। फसाए तो गए हैं और वही मैंने जैसे बताया उनको टॉर्चर करके उनको काफी जबरदस्ती उनसे कुछ स्टेटमेंट्स निकालने की काफी कोशिश की गई थी। कर्नल पुरोहित को 29 सितंबर 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के बाद गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगाया गया था कि कर्नल पुरोहित ने ही सेना का आरडीएक्स चुराकर समझौता ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट के लिए सप्लाई किया था। इन दोनों धमाकों के बाद ही यूपीए सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने देश में हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2015 में मालेगांव ब्लास्ट के सिलसिले में जहां ये कहते हुए कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह ठाकुर को राहत दी थी कि मकोका के तहत दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए और आरोपी स्पेशल कोर्ट में रेगुलर बेल की याचिका दे सकते हैं, वहीं समझौता एक्सप्रेस केस में कर्नल पुरोहित के खिलाफ आज तक जांच एजेंसियां चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई। तो सच क्या है? क्या जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद को खास रंग दिया गया? क्या धमाकों को लश्कर ने अंजाम दिया और कांग्रेस ने भगवा को बदनाम कर दिया? दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं ने ऐसे बयान देकर आतंक में रंगभेद करने की कोशिश की। ये नेता कांग्रेस संगठन और सरकार में बेहद मजबूत रहे हैं, इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों धमाकों को लश्कर ने अंजाम दिया जबकि कांग्रेस ने इसे भगवा आतंकवाद कहकर प्रचारित किया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मेरे हाथ में जो दस्तावेज है उनमें क्या लिखा है आपको कुछ लाइन में पढ़कर सुनाता हूँ। ये देखिए, मालेगांव ब्लास्ट ऑन 8/9/2006, इसके बारे में क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द कन्फेशंस, द अक्यूज्ड पर्संस बिलोंग टू सिमी, अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन। द अक्यूज्ड देयरफॉर कंस्पायर टू टेक रिवेंज फ्रॉम द पुलिस गवर्नमेंट एंड द अदर कम्युनिटी एंड डिसाइडेड
to get weapons from abroad. The two arrested accused, namely Shabir Masihullah and Sheikh Mohammad Ali Alam Sheikh, had been अब दूसरा मैं आपको हैड बीन टू पाकिस्तान फॉर वेपन्स ट्रेनिंग इन 2006 ऐसा इसमें लिखा है. एक जगह और लिखा है द एविडेंस फ्रॉम द ब्लास्ट साइट ऑफ समझौता एक्सप्रेस लेड द पुलिस टू इंदौर मध्य प्रदेश फ्रॉम वेयर दे ऑल्सो डिटेन टू पर्सन फ्रॉम होम द टेररिस्ट हैड परचेज्ड द बैग्स एंड कवर्स इन विच द बॉम्ब्स वर प्लेस्ड हाउएवर नो फर्दर लीड कुड बी गिवन बाई दीज टू डिटेन पर्सन हेंस दे वर रिलीज्ड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस. सर्टन सिमिलैरिटीज बिटवीन द समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट एंड द मक्का मस्जिद ब्लास्ट have been noticed in so far as both used batteries of 6 volts and cast iron pipes. Aage isme likha hai, it has been gathered that Mohammad Shahid Urf Bilal, a resident of Hyderabad and LET JEM activist, was behind this incident and that the explosive was placed by one Hamza Urf Kanchan Urf Sharifuddin, a Bangladeshi who is also wanted in the case by Delhi police. It is suspected by the local police that this blast is the handiwork of Bangladesh-based Islamic militants with the help of some local elements. अब हमारा सवाल ये है और ये पूरे पेपर्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हर जगह यही बात मिलेगी. इसमें देखिए आगे जब जो दरगाह अजमेर शरीफ की दरगाह में ब्लास्ट हुआ है उसमें भी लिखा है there are a lot of similarities between this blast and the blast at मक्का मस्जिद in हैदराबाद. अब बड़ा सवाल यह है कि जब इन दस्तावेजों में कहीं भी भगवा आतंकवाद का नाम नहीं है, कहीं भी उन संगठनों का नाम नहीं है जिनके बारे में जिनको आरोपी बनाया गया था, तो फिर भगवा आतंकवाद का जो ये शब्द है ये बाद में कहां से आ गया, ये हमारा बड़ा सवाल है.